हे फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कोस्टल कुजीन और रेसिपी का नाम है पॉम्फ्लेट मसाला फ्राई। विंटर्स की शुरुआत हो गई है तो हल्की ठंड के अंदर ग्रिल्ड फिश या फ्राई फिश खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसके लिए हम लेंगे थोड़ी मिर्ची, थोड़ा लहसुन और अदरक। इसको हम ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल देंगे क्योंकि इसका पेस्ट बनाना होगा मैरिनेशन के लिए, और एक नींबू इसके अंदर स्क्वीज करना है। उसके बाद कुछ मसाले डालने हैं। आज की जो प्रिपरेशन है वो टोटल 6 पॉम्फ्लेट को लेकर है, और मसाले में हम सबसे पहले डाल चुके हैं यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और अब इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं करीब 1.5 चम्मच के आसपास। आज की इस रेसिपी का टोटल क्रेडिट जाता है साहब को, क्योंकि उनके ही हाथों का जो जायका है वो उसका कहना ही क्या। तो ये आज वही बना रहे हैं। अब इसके अंदर डाला है उन्होंने धनिया का पाउडर जो करीब 1.5 चम्मच के आसपास है। अब इसके अंदर ये गरम मसाला है जो कि अंदाजे से डाला है, मेरे ख्याल से ये करीब 1.5 चम्मच होगा, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है करीब 0.5 चम्मच के आसपास। अब नमक डाल रहे हैं, सिर्फ 0.5 चम्मच नमक डाला है क्योंकि फिश जो है उसके अंदर भी हल्का नमक होता है। तो जो ये पेस्ट बनाया था इसको अब अच्छे से कट्स के अंदर हम फैला लेंगे, अच्छे से इसको पूरी फिश को इससे कवर कर देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो मैरिनेशन के बाद में पूरी तरह से फिश के अंदर रम जाए। मैरिनेशन का तो थंब रूल यही है कि जो भी फूड प्रोडक्ट आप मैरिनेट करना चाहते हैं उसमें डीप कट्स लगे होने बहुत ज़रूरी है, ताकि मसाले जो हैं वो अंदर तक अब्सॉर्ब हो सके, मसालों की तिखास खटाई उसमें अच्छे से रम सके। हम इसे 45 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे ताकि इसको अच्छे से मैरिनेशन होने का समय मिल सके। आफ्टर 45 मिनट्स अब हम लोग पैन के अंदर घी ले लेंगे ताकि इसके अंदर मसाला फिश जो है वो फ्राई कर सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है फिश को ऑयल या घी में डालने के समय, कि आपको फिश जो है वो तुरंत ही उसको फ्लिप नहीं करना है, उसको एक रेस्टिंग टाइम देना है, रेस्टिंग पीरियड देना है ताकि उसके अंदर अच्छे से क्रस्ट डेवलप हो सके, वरना स्किन उतरने का डर रहता है, साथ ही उसके अंदर जो करारापन है वो फिर आ नहीं पाएगा। तो ये हमारी जायकेदार ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट फिश फ्राई तैयार हो चुकी है, एंड नाउ आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ टू ईट इट। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इसकी फाइनल प्लेटिंग। अगर आप अपने घर पे इसे ट्राई करें तो मुझे पिक्स ज़रूर सेंड कीजिएगा मेरे फेसबुक या फिर इंस्टा अकाउंट पे। मैं उसका लिंक आपके साथ में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर रही हूँ। चल देन, बाय बाय।